अलीगढ़ में एटा चुंगी स्थित ग्रीन पार्क अपार्टमेंट के सामने लक्ष्मीनगर में श्री पित्री भागवत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन से आए कथाव्यास शिव शंकर दास महाराज के मुखार बिंदु से भागवत कथा की अमृत वर्षा हो रही है। शिव शंकर दास महाराज ने बताया कि भागवत कथा 8 अक्टूबर तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। मंगलवार को श्री कपिल देव हुती संवाद, शाम को कीर्तन वेदी पूजन किया गया। वहीं इस दौरान मुख्य अतिथि कोल विधायक अनिल पाराशर का आयोजकों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इससे एक दिन पहले मंगल कलश यात्रा निकाली गई। 4 अक्टूबर को ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, 5 अक्टूबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव, 6 अक्टूबर को गोवर्धन लीला महोत्सव, 7 अक्टूबर को श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह महोत्सव, 8 अक्टूबर को सुदामा चरित्र, शुकदेव जी पूजन एवं महाप्रसाद साय 7 बजे से होगा। भागवत कथा में दिनेश शर्मा, पंकज शर्मा, अनिल शर्मा, सुभाष चंद्र शर्मा, दुष्यंत शर्मा, राजकुमार, अंकित भारद्वाज, मीना देवी, कल्पना शर्मा, गुंजन शर्मा आदि भक्तों ने पित्री भागवत कथा का आनंद लिया। देखिए, आज यहाँ लक्ष्मीनगर में भागवत कथा आयोजन समिति के सौजन्य से हमारे भाई सुभाष जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर भागवत कथा श्रवण का आयोजन हो रहा है। आज दूसरा दिन है, मुझे भी सौभाग्य मिला यहाँ पर आने का और मैं भी धन्य हुआ। और साथ ही जिस तरह से भक्त और हमारे बुजुर्ग और युवा पीढ़ी इस कथा का श्रवण कर रही है, भागवत महापुराण के बारे में जानकारी कर रही है, निश्चित रूप से हम सबके लिए सौभाग्य का विषय तो यही है। हम सब भी परम सौभाग्यशाली है कि हमको ऐसा अवसर सुनने को और यह देखने को अवसर मिला। मैं निश्चित रूप से आयोजन समिति को पूर्वक प्रशंसा करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि सनातन धर्म के बारे में जितनी जानकारी हमें अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलती है, उससे भी ज्यादा जानकारी इन कथा प्रसंगों के माध्यम से, भागवत महापुराण के माध्यम से, श्री रामायण कथा आयोजन से हमको मिलती है और सनातन धर्म की बयार यहाँ पर बह रही है, उसका निश्चित रूप से हम सबको लाभ मिलेगा और हम सब लोग अपने सनातन धर्म के बारे में और अधिक जान पाएंगे और अपना उद्धार भी कर पाएंगे। नमस्कार जी, ये श्री शिवाशंकर दास जी महाराज द्वारा कथा का आयोजन लक्ष्मीनगर क्वारसी बाईपास में हो रहा है और ये 2 तारीख से जो है सुबह 10 बजे से कलश यात्रा का इसका जो है रखा गया था और शाम को जो कीर्तन हुआ, बीच में भजन आए, बड़ा आनंद आया। 3 तारीख में धुंधली और गोकर्ण की कथा का व्याख्यान हो रहा है और साहब मैं जनता से अपील करूँगा कि इस भागवत का पूरा आनंद लें और सुने और पुण्य के भागीदार बने। मुझे अच्छा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा जनसमूह के जो है शिवाजी महाराज के द्वारा इस कथा का जो है रसपान करेंगे। ये लक्ष्मीनगर में पितृ भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। शिवाशंकर दास जी महाराज वृंदावन से पधारे हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ पे कथा का कार्यक्रम चल रहा है। कल हमारे यहाँ 10 बजे से कलश यात्रा रही थी और 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक का कार्यक्रम भागवत का रहा। काफ़ी लोगों ने, मोहल्ला वासियों ने और इधर से भी आए लोगों ने, भक्त लोगों ने बहुत रसपान लिया। बीच बीच में भजन कीर्तन संध्या चलती रही, उसके बाद में गोकर्ण की कथा का भी आयोजन रहा और प्रतिदिन भागवत में कथा का एक नए नए जो प्रसंग हैं उन पर हमारी चर्चाएं हो रही हैं और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नगरवासी आएँ। और अलीगढ़ में पहली बार पितृ भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं सबसे निवेदन करूंगा सब लोग आएं और इसका रसपान करें, आनंद लें। ये हमारे यहाँ लक्ष्मीनगर में भागवत कथा हो रही है और 2 तारीख से हमने कलश, 2 तारीख का हमारा कलश यात्रा का प्रोग्राम था और आज हमारा दूसरा दिन है, 3 तारीख है और आज कपिल मुनि का प्रोग्राम हो रहा है और बहुत अच्छा प्रोग्राम भगवत लक्ष्मीनगर में करा रहे हैं। और सभी लक्ष्मीनगरवासी जो है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी नगरवासियों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हमारे महाराज जी शिवाजी दास महाराज जी वृंदावन से आए हुए हैं, इनके मुखारविंद से भगवद गीता का प्रस्पान करें।